हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लाइक यू एजुकेशन विद नागेंद्र सर। और जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 18 कराने जा रहे हैं 8 चैप्टर का, कौन से बेटे एग्जांपल हैं इसके, हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर के, जो कि एग्जांपल नंबर 8 है, अर्थात हम कह सकते हैं लास्ट, क्लियर। और इसी को कराने के बाद बेटे आपका 8 चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है। तो देखो बेटे इसे करते हैं, क्या दे रखा है इसमें, दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, कौन सा बेटे एंगल कौन सा बनना, एलिवेशन बनना है। दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट, और जो ए पॉइंट है वो कहां पर है, एच मीटर ऊंचा है, ऊपर है, ए लेग, किससे बेटे, ए लेग इज एल्फा, ठीक है। एक लेग मतलब झील है, झील से एच मीटर ऊंचाई पर एक पॉइंट है, एक ए कौन सा पॉइंट है बेटे, ए पॉइंट है, और वहां से हमारा जो क्लाउड है वहां पर बेटे, जो ए पॉइंट है वहां पर जो क्लाउड से जो एंगल बनना है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना बनना है, बीटा बन रहा है। तो देखो बेटे पहले इधर देख लेते हैं हमारी बेटे क्या है, लिख लेते हैं, ये रही बेटे, ये है इसमें बेटे, ये पानी भरा हुआ लेक, लेक है ये बेटे पानी कर दिया, इसे दो पॉइंट दे देते, नाम दे देते इसे ए और दे देते बेटे बी, क्या दे दिया बेटे, ए और बी दे दिया। उसके बाद में कह रहा है कि इससे एच मीटर ऊपर, इससे एच मीटर ऊपर, तो मान लो बेटे एच मीटर पे कोई पॉइंट है, ये रहा बेटे, और बेटे ये एच पॉइंट होता है तो हमें पता है कि बेटे हमें क्या बना देते हैं, एक आयताकार शेप बना देते हैं, अर्थात रेक्टेंगल आकार शेप बना देते हैं। तो इसने कहा था कि जो हमारी लेक है बेटे, उससे एच मीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, तो हमारा कोई पॉइंट ले लिया हमने, क्या बेटे कोई पॉइंट है, एक पॉइंट है हमारा, उस पॉइंट को नाम दे लेते हैं बेटे, कोई से दे लो, इसे दे दो पी और इसे दे दो एम, ठीक है एम। और कितनी डिस्टेंस पर है बेटे, एच मीटर डिस्टेंस पर, अर्थात ये डिस्टेंस कितनी है इसकी, यहां से एच मीटर है, समझ में आई नहीं आई, हमारी क्या हो गई बेटे, झील हो गई है, लेग हो गई, लेग हो गई उसके, उससे एच मीटर ऊपर, एच मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, कोई सा भी पॉइंट दे ले, क्या एक पॉइंट है, मान लिया वो पॉइंट कौन सा था बेटे, पीएम है, वो पॉइंट कौन सा है, पीएम है। अब ये कहेंगे सर इतना चौड़ा हमारा पॉइंट कहाँ से होता है, तो बेटे एक चीज़ हमेशा याद रखना, जैसे अगर आपकी यहाँ से जैसे नदी बहती जाएगी, जैसे नदी बहती हुई जा रही है, क्या है ये नदी बह रही है, तो बेटे यहाँ से बहती हुई जाएगी, काफ़ी लंबी होती है नदी जो हमारी होती है, रिवर होती है, तो बेटे उस पर कोई पॉइंट लेंगे, जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया, तो बेटे वही पॉइंट उसका क्या होता है, जैसे ये पॉइंट ले लिया जो काफ़ी लंबी है, क्या है ये काफ़ी लंबी, यहाँ पे पॉइंट ले लिया, तो बेटे अब मुझे काम किससे, ओनली इस पॉइंट से, तो मैं क्या करूँगा इसे जूम करता हुआ, जूम कर दिया, तो वो पॉइंट कैसा हो जाता है बेटे, चौड़ा लग नज़र आता है, कैसा आता है, चौड़ा नज़र आता है। तो देखो बेटे हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट ले लिया, ये हो गया पीएम हो गया, ये कितने पर बेटे, एच डिस्टेंस की ऊंचाई पर है, एच डिस्टेंस की ऊंचाई पर, ठीक है। फिर क्या रहा बेटे, उससे ऊपर क्लाउड, अब मान लो इस पॉइंट से ऊपर एक और क्लाउड और है बेटे, बादल है हमारे, तो बेटे इससे ऊपर ही होंगे, इससे बेटे ऊपर है हमारा, यहाँ पे मान लेते हैं क्लाउड, क्या मान लिया बेटे, क्लाउड मान लिया, और इसकी डिस्टेंस मान ली बेटे हमने, इसकी मान लिया, साथ ही साथ मानते जा रहे हैं बेटे एक्स मीटर, कितनी मान ली बेटे एक्स, अर्थात एक पॉइंट है जो लेग थे कि कितनी ऊंचाई पर बेटे, कितनी डिस्टेंस पर है हमारे, कितनी कितना वो एवब है हमारा, एच मीटर है, उस पॉइंट से भी ऊपर मान लिया हमने, जो क्लाउड नज़र आ रहे हैं वो क्लाउड कितनी डिस्टेंस पर है, कितनी ऊंचाई पर है, कितने एवब है उससे पॉइंट से, एक्स मीटर है, एवब है, क्लियर नहीं है, ठीक है। और ये कह रहा है बेटे जो एच डिस्टेंस की, एच डिस्टेंस पर जो हमारा कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट था हमारा, ये पूरा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है, वहाँ पर क्लाउड से एंगल ऑफ एलिवेशन बेटे नीचे की तरफ बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहाँ बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है वो कितना बनना है बेटे, अल्फा, तो हमने मान लिया यहाँ पे कितना बन गया बेटे, ये अल्फा बन गया, कितना बन गया अल्फा, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है दी एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन बनना है ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन दी लेक इज बीटा, तो बेटे एक चीज बताओ, इस जो हमारा क्लाउड है उसका रिफ्लेक्शन पानी में अंदर ही बनेगा, तो कहां से बेटे हमने मान लिया इसके ही यहां पर है बेटे, क्या है बेटे बादल की वह रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन, ठीक है। और मान ले यहां से और यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई बेटे, कितनी हो जाएगी, जितनी हमारी पानी की जो सरफेस है,
सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर है वहां से जो हमारे क्लाउड की डिस्टेंस है, उस पॉइंट से जो क्लाउड की डिस्टेंस है बेटे उतनी ही उसकी रिफ्लेक्शन की डिस्टेंस होती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ क्वेश्चनों में। तो मान लो ये जो हमारा बेटे सरफेस ऑफ वाटर कौन सी है, ये है ए बी है, ए बी है सरफेस ऑफ वाटर। तो बेटे ए बी है, ए बी से जो क्लाउड है उसकी डिस्टेंस कितनी है बेटे, एच प्लस एक्स, कितनी है एच प्लस एक्स है। तो उतनी ही बेटे अंदर हमारी जो क्या रिफ्लेक्शन बनना है हमारा क्लाउड का, वो भी उतना ही अंदर होता है। तो बेटे जितनी हमारी सरफेस ऑफ वाटर से क्लाउड के मध्य की जो डिस्टेंस है, बीच की बिटवीन की डिस्टेंस है उनके बीच की, उतने ही बेटे डिस्टेंस पर नीचे हमारा क्या बनेगा रिफ्लेक्शन बनता है, किसका क्लाउड का। तो हमारा जो सरफेस ऑफ वाटर से अंदर कितनी पे रिफ्लेक्शन बनेगा बेटे, जितनी पे हमारा क्लाउड है, क्लाउड यहाँ से सरफेस ऑफ वाटर से कितनी ऊंचाई पर है एच प्लस एक्स, तो इतना ही बेटे हमारा क्या बनेगा रिफ्लेक्शन बनेगा कितनी पर बेटे एक्स प्लस एच मीटर, कितने पर बनना है बेटे एक्स प्लस एच मीटर पे बनना है। तो देखो बेटे यहाँ तक कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई एक्स प्लस एच हो गई, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है उसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है कितना बीटा, किस पर बेटे रिफ्लेक्शन पॉइंट पर, किस पर रिफ्लेक्शन पॉइंट पर। तो रिफ्लेक्शन पॉइंट कहाँ है बेटे, ये रहा, तो ये कितना बनना है बेटे यहाँ से हमारा बीटा बनना है, कितना बीटा। और इस पॉइंट को नाम दे लेते हैं बेटे, ये हो गया ए बी सी, इसे दे देता हूँ सी। तो बेटे ये इसका क्या रिफ्लेक्शन है, तो बेटे इसे कर देते हैं सी डैश, रिफ्लेक्शन है तो बेटे उसे क्या नाम दे दिया सी डैश दे दिया, क्लियर है नहीं है, इस पॉइंट को नाम दे दिया सी डैश। तो अब हमें क्या करना है, फिर कह रहा है कि प्रूव डेट हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर इज, ये होती है बेटे इस फॉर्म में दिखाना हमें उसकी हाइट को, इतनी इसकी फॉर्म में होगी। तो देखो बेटे ये कह रहा है कि उसकी हाइट कहाँ से बेटे, यहाँ से सरफेस ऑफ वाटर। तो बेटे क्या वाटर का सरफेस यही है, वाटर सरफेस ऑफ वाटर यही है, यहाँ से ये वाली अर्थात मैं कह सकता हूँ मुझे क्या निकालनी है, बी सी निकालनी है, क्या निकालनी है बेटे बी सी निकालनी है, क्या निकालनी है बी सी निकालनी है। तो देखो बेटे क्या करना है, अब मुझे बी सी तो निकालनी है, लेकिन निकालने के बाद एक तरह से प्रूफ करना है कि हमें क्या है बेटे प्रूफ करना, क्या प्रूफ ही करना है कि हमारा क्या आएगा एच ब्रैकेट में टेन बीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, अर्थात मैं कह सकता हूँ बेटे कि हमारी जो उसकी हाइट है वो इस फॉर्म में आएगी, अर्थात ये आएगी। तो देखो बेटे अब मुझे निकाल लूँगा, अब सबसे पहले देखेंगे कि वो ये जो हमने आपको रटा रटाया हुआ कंसेप्ट बता रखा है कि कितने एंगल्स हैं बेटे, इसमें दो एंगल्स हैं, एक तो है अल्फा और एक तो है अल्फा और एक है बीटा। जब बेटे दो एंगल्स बन रहे हैं तो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल्स भी कितने बनेंगे टू ही बनेंगे, इक्वेशंस भी कितने बनेंगे टू। तो बेटे जो हमने आपको बता रखा है उसकी फॉर्म में चलते हैं। तो देखो बेटे क्या है, एक तो बनना है ये रहा बेटे एंगल अल्फा, इसे लेकर कौन सा बनना पी एम सी, पी एम सी ये बनना है, दूसरा कौन सा बनना पी एम सी डैश, पी एम सी डैश। तो बेटे दोनों को एक एक लेकर कर लेते हैं। तो देखो बेटे ठीक है, तो सर तो क्या करेंगे बेटे इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है बेटे पी एम सी, कौन सा है पी एम सी है। तो बेटे देखो इसमें कौन सा एंगल बनना है अल्फा बनना है, तो क्या लूंगा बेटे मैं अल्फा इक्वल कौन कौन सी साइड लूंगा बेटे जो यूज में ले रही मुझे निकालनी है, एक तो कौन बी सी निकालनी है, तो बेटे एम सी भी बी सी का ही पार्ट है अर्थात एम सी को भी फाइंड करना है, तो एक तो ये लेनी है फिर मुझे जो फाइंड करनी है एम सी अपॉन, दूसरी कौन सी है बेटे जो हमारी कॉमन है दोनों में पी एम सी पी एम सी डैश, तो बेटे पी एम हमारी कॉमन है तो इसे ले लो पी एम, ये क्या हो गया बेटे पी अपॉन वी हो गया, पी अपॉन वी किसका रिलेशन होता है बेटे हमारा टेन का, तो टेन लगा दिया क्लियर है। अब वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगा बेटे टेन अल्फा इक्वल एम सी, एम सी कितना है बेटे एक्स है अपॉन पी एम हमारा कॉमन वाला है, क्या है कॉमन है। तो बेटे हमें इक्वेशन बनानी है, हमने आपसे क्या रखा है कि इक्वेशन बनाओ इस तरह से बनाओ कि जो हमारा बेटे कॉमन पॉइंट है उसे इक्वल करके बननी चाहिए इक्वेशन, क्या है जो हमारा कॉमन पॉइंट है या कॉमन लाइन है या कुछ भी दे रखा है उसे इक्वल लेकर के बनाई जाती है इक्वेशन। इसमें तो हमारा कॉमन क्या है बेटे पी एम है, तो पी एम को लेकर करेंगे, तो क्या करते हैं बेटे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो पी एम तो आ जाएगा यहाँ पे और टेन थीटा आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा पी एम इक्वल एक्स अपॉन टेन अल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, पी एम के इक्वल करके इक्वेशन बना दी बेटे, क्योंकि ये क्या हमारी लाइन जो पी एम हमारी लाइन है इसमें वो क्या दोनों में कॉमन है। तो अब ले लेते हैं बेटे दूसरा इन राइट एंगल ट्राइंगल
पी एम सी डैश, कौन सा ले लिया, पी एम सी डैश ये ले लिया। तो बेटे कौन सा एंगल है उसमें, बीटा दे रखा है, तो बीटा को लेकर का यूज करते हैं बेटे, बीटा को ले लिया इक्वल, कौन कौन सी साइड जो निकालनी है बेटे मुझे, कौन कौन सी साइड लेना है, तो बेटे एक तो ये है मुझे फाइंड करनी है, बी ए कौन सी करनी थी, बी सी करनी है, क्या बी सी, बी बी सी करनी है, लेकिन बी एम बी से बेटे उसी का पार्ट है जो फाइंड करनी है, तो बेटे इसी का यूज लेगा, इसको भी यूज में लेना है। तो देखो बेटे इस वाले पी एम सी डैश की कौन सी है साइड, ये वाली एम सी डैश, एम सी डैश, तो बेटे इसे यूज में ले लेंगे जो फाइंड करना है, दूसरी जो कॉमन है पी एम, कौन सी है बेटे पी एम, ठीक है। तो देखो बेटे क्या करना है, और ये क्या हो गया बेटे, ये तो पी, ये है बी, तो पी अपॉन बी किसका रिलेशन होता है बेटे, टेन का, तो टेन कर दिया, किसका बेटे टेन का, तो टेन कर दिया, आगे वैल्यू पुट करो तो बेटे क्या हो जाएगा, टेन बीटा इक्वल एम सी, एम सी क्या है बेटे बी सी, बी सी कितना है बेटे एक्स प्लस एच है, और यहाँ से बी एम, बी एम कितना है बेटे एच, तो एच प्लस क्या हो जाएगा बेटे, एच को प्लस करना है एक्स प्लस एच में, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटे एक्स प्लस टू एच, कितना आ गया एक्स प्लस टू एच, बी सी डैश की जो डिस्टेंस है पूरी कितनी आ गई, एच प्लस एच को प्लस करना है एक्स प्लस एच में, तो कितना आ गया बेटे एक्स प्लस टू एच अपॉन पी एम, क्या बेटे हमारा दोनों में कॉमन है, क्या है दोनों कॉमन है, तो बेटे वही वाली चीज़ है जो पी एम हमारी लाइन है वो दोनों में क्या है कॉमन है, तो उसी को लेकर के इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो बेटे आगे इधर की साइड, इधर की तरफ देखेंगे, देखो बेटे ये क्या हमें प्रूफ करना है, तो इसे मैं एक साइड में लिख देता हूँ, इधर की साइड में क्या प्रूफ, इसी को प्रूफ करना है तो इसे लिख देता हूँ, एच इक्वल टेन बीटा प्लस टेन एल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन एल्फा, ये मुझे प्रूफ करना है, तो ये बेटे ये बीच में लिख रहा था इसलिए मैंने इसे अरेंज कर दिया है। तो बेटे क्या करना है, इस वाले को ये इसे प्रूफ में लाना है मुझे, ठीक है। तो देखो बेटे इधर की साइड में देखते हैं यहाँ पे, अब आगे तो बेटे क्या है, पी एम को इक्वल करके इक्वेशन बनाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, पी एम को इधर ले आऊंगा यहाँ पर, इसे इधर ले आऊंगा, तो क्या हो रहा है यहाँ पे बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है मुझे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पी एम को यहाँ पे ले आया तो क्या हो गया, पी एम इक्वल एक्स प्लस टू एस तो यही रहेगा अपॉन टेन बीटा, कहाँ जाएगा बेटे पी एम की जगह पर, तो ये आ गया टेन बीटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो देखो बेटे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखेंगे तो ये जो वैल्यू आई है एक्स अपॉन टेन एल्फा, एक्स अपॉन टेन एल्फा ये किसकी आई है, पी एम की। इधर देखें तो बेटे एक्स प्लस टू एच अपॉन टेन बीटा, एक्स प्लस टू एच अपॉन टेन बीटा ये किसकी आई है, पी एम की। दोनों वैल्यू किसकी है, पी एम पी एम की। तो बेटे क्या कर दें, कंपेयर कर दें दोनों इक्वेशनों को, क्या कर दें बेटे, कंपेयर कर दें, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या कर दें फर्स्ट एंड सेकेंड कर दो, कंपेयर कर दें। तो बेटे देखो ये क्या है, इसकी वैल्यू है एक्स अपॉन टेन एल्फा इक्वल एक्स प्लस टू एच मल्टीप्लाई में टेन बीटा, ठीक है बेटे। ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू को इक्वल दिखा दी, तो देखो बेटे इसका दोनों से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, एक्स अपॉन टेन एल्फा इक्वल वन अपॉन टेन बीटा का एक्स से करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन टेन बीटा प्लस का साइन है तो प्लस का 2h से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे, टेन बीटा, क्लियर है। अब बेटे एक्स एक्स वाले टर्म्स को एक साइड में ले लेते हैं, एक्स एक्स वालों को, तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, x अपॉन टेन एल्फा और माइनस में x अपॉन टेन बीटा, x अपॉन टेन बीटा को बेटे इधर की साइड में लिया है तो माइनस का आ गया, ठीक है, और इक्वल बच गया बेटे 2h अपॉन टेन बीटा, क्या बच गया 2h अपॉन टेन बीटा। बेटे इधर क्या आ रहा है दोनों में, कॉमन आ रहा है, एलसीएम ले लेंगे, सॉरी कॉमन नहीं, एलसीएम आ रहा है तो एलसीएम ले लेंगे, क्या आ रहा है एलसीएम, टेन एल्फा इंटू टेन बीटा, टेन एल्फा इंटू टेन बीटा, टेन एल्फा से टेन एल्फा गया तो बेटे क्या बच गया, क्या बच गया, टेन टेन बीटा बच गया, तो इधर आ जाएगा बेटे एक्स इंटू टेन बीटा, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में माइनस है तो माइनस, टेन बीटा से टेन बीटा गया तो बेटे क्या बच गया, टेन अल्फा बच गया, टेन एक्स अल्फा का मल्टीपल एक्स से करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स इंटू टेन बीटा इक्वल टू एच अपॉन टेन बीटा, टू एच अपॉन टेन बीटा, क्लियर। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटे, एक्स आ रहा है तो एक्स को कॉमन ले दूँ, एक्स इक्वल इधर बच गया टेन बीटा माइनस
टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, क्या गया टेन बीटा माइनस टेन अल्फा अपॉन टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इक्वल टू एच अपॉन टेन बीटा। क्लियर है बेटे, यहाँ तक हमारा आ गया। तो टेन बीटा से बेटे क्या हो रहा है, टेन बीटा जा रहा है, टेन बीटा से टेन बीटा क्या हो जाएगा बेटे हमारा, चलो बाद में वो करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, ओनली हमें x इक्वल करके रखना है, तो क्या करना, x के साथ में जो भी हमारे लिए दे रखा है उसे दूसरी साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटे, x इक्वल टू एच अपॉन टेन बीटा, क्या आ गया टू एच अपॉन टेन बीटा आ गया। तो देखो बेटे, जो इसके साथ में ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा एक्स के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये तो पहुंच गया बेटे डिवाइड में, कहाँ पहुंच गया बेटे डिवाइड में। क्लियर, और टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इसके साथ में डिवाइड में, तो ये कहाँ पहुंच जाएंगे बेटे मल्टीप्लाई में, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। क्लियर है, तो बेटे क्या हो गया टेन बीटा से टेन बीटा खत्म हो गया। क्लियर है बेटे, क्या हो गया यहाँ से टेन बीटा से हमने टेन बीटा को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो बेटे अभी इससे आगे हम अभी कराएंगे, इससे पहले नोट करो क्या करना है बेटे, इससे पहले नोट करो, इसके आगे कराएंगे फिर। तो देखो बच्चों आगे नेक्स्ट करते हैं इससे आगे बेटे, तो इसे इरेज कर लेते हैं, नोट तो सभी ने कर लिया ना ये वाला। तो देखो बेटे इसे आगे करेंगे इससे, तो देखो बेटे आगे इससे, इससे आगे करेंगे बेटे इधर। तो देखो बेटे क्या बच रहा है, अब x इक्वल क्या करना है बेटे, x इक्वल तो क्या बच गया टू एच इंटू टेन अल्फा, क्या बच गया और अपॉन में बेटे टेन बीटा आ गया, तो क्या बच गया टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा ये बच गया, नहीं बच गया ये आ गई बेटे हमारी x की वैल्यू, क्या आ गई बेटे x की वैल्यू आ गई। ठीक है ठीक है, अब देखो हमें निकालना क्या है बेटे, हमें निकालना क्या है बेटे, जो क्लाउड है उसकी हाइट निकालनी, कहाँ से सरफेस ऑफ वाटर से, कहाँ से सरफेस ऑफ वाटर से। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बेटे, थस हाइट ऑफ क्लाउड, हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर, कहाँ से बेटे पानी की जो सरफेस है, पानी की जो सतह है उससे बेटे हमें हाइट निकालनी किसी क्लाउड की, वो हाइट क्या है बेटे बी सी है, क्या है बेटे बी सी है, वो कितनी है बेटे बी सी है कितनी है बेटे एक्स प्लस एच, यही है ना बेटे एम सी की बेटे क्या है हमारी एक्स है हाइट, और बी एम की कितनी एच है, तो बी सी की कितनी हो गई बेटे, या मैं लिख सकता हूँ कि बी सी इक्वल है हमारा बी एम प्लस एम सी, क्या है बी एम ए प्लस एम सी, तो क्या हो जाएगा बी सी प्लस बी एम कितना बेटे हमारे लिए एच, प्लस एम सी कितना दे रखा है बेटे हमारे लिए एक्स, तो कितना है बेटे बी सी जो हाइट है हमारी क्लाउड की वो कितनी है बी सी है, कितनी है बेटे एच प्लस एक्स, एक्स प्लस वो एच प्लस एक्स। तो देखो बेटे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे h प्लस एक्स है, तो बेटे x की अब x की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, यही है ना, जैसे इसे इक्वेशन नंबर अगर हम थर्ड दे दें तो क्या कर दें वैल्यू पुट कर दें, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन ना थर्ड से क्या करेंगे बेटे बी सी इक्वल h प्लस x, x की बेटे वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू क्या निकली है बेटे हमारी 2h इंटू टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा, सही है ना बेटे टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। क्लियर है बेटे, ठीक है नहीं है यहाँ तक। तो देखो बेटे वो क्या है, एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, तो बी सी इक्वल एलसीएम लेंगे बेटे, एलसीएम क्या आ रहा है टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, क्या आ रहा है टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इक्वल में, देखो बेटे एच के इक्वल क्या मान लो बेटे वन से डिवाइड करूँगा कैसे टेन बीटा माइनस टेन अल्फा को, तो क्या बचेगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा बच गया, तो टेन बीटा माइनस टेन अल्फा का मल्टीप्लाई कैसे कर दूँ एच से, तो क्या आ जाएगा एच एच में मल्टीप्लाई में टेन बीटा माइनस
टेन अल्फा, प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दिया, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा से टेन बीटा माइनस टेन अल्फा गया तो कितनी बार, वन बार वन का मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो क्या बच गया बेटे यहाँ पे टू एच टेन अल्फा, यही बचा। तो देखो बेटे आगे अब बी सी इक्वल, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बेटे, एच कॉमन आ रहा है तो मैंने एच को कॉमन ले दिया, क्या कर दिया एच कॉमन ले दिया, तो इधर बच गया बेटे मेरा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, इधर क्या बच गया बेटे टेन बीटा माइनस टेन अल्फा बच गया, और इधर क्या बच गया बेटे प्लस एच बाहर आ गया तो क्या बच गया टू टू टेन अल्फा, क्या आ गया बेटे टू टेन अल्फा अपॉन में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, क्या आ गया बेटे टेन बीटा माइनस टेन अल्फा आ गया, क्लियर है बेटे नहीं है यहाँ तक, तो देखो बेटे इधर इसे इरेज कर दें, क्लियर है नोट कर लिया होगा सभी ने, तो देखो बेटे इधर की साइड में देखते हैं आप, तो ये बच रहा है बेटे, तो देखो इधर है हमारा टेन अल्फा माइनस का है, ये टू टेन अल्फा प्लस का है, तो क्या हो गया जब टू टेन अल्फा में से एक टेन अल्फा चलेगा तो चले जाएगा तो बेटे क्या बचेगा एक बचेगा, तो देखो क्या है बी सी इक्वल एच है तो बेटे एच आ गया ब्रैकेट में, टेन बीटा है तो बेटे टेन बीटा आ गया, ठीक है, और ये माइनस का टेन अल्फा है, ये प्लस का टू टेन अल्फा है, तो टू टेन अल्फा में से एक चला जाएगा तो बेटे एक बच जाएगा प्लस का, तो क्या हो जाएगा बेटे टेन अल्फा अपॉन नीचे क्या बेटे टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, क्या बेटे नीचे हमारा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, तो बेटे बी सी अब कितनी आ गई हमारी इसके इक्वल आ गई, यही क्या था बेटे यही प्रूफ करना था हमें, यही करना था, तो इसी के साथ में क्या हो गया बेटे हमारा हैंस प्रूफ्ड, क्या हो गया बेटे हमारा हैंस प्रूफ्ड हो गया, क्लियर है बेटे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नोट करो बेटे। तो बच्चों हमारा जो प्रूफ करना था बेटे हमने प्रूफ कर दिया, यही वाली प्रूफ करनी थी, आ गई वही कंडीशंस, तो हमारी जो हाइट आई है उसी की फॉर्म में आई है जो हमें प्रूफ करना था नहीं करना था, क्लियर है बेटे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओनली बेटे वही चीज़ है कि हमारे लिए टू एंगल्स दे रखे हैं, टू एंगल्स हैं तो ट्राइंगल्स भी कितने राइट एंगल ट्राइंगल टू हैं, और बेटे इक्वेशंस भी कितनी बन गई टू बन गई, क्लियर, उसके बाद में ओनली कैलकुलेशन करते गए, और हम जानते हैं बेटे कि पानी की सतह से कोई भी चीज़ हमारी जितनी भी ऊंचाई पर होती है, पानी सरफेस ऑफ वाटर से कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा जितनी ऊंचाई पर होता है उसके बेटे रिफ्लेक्शन कह सकते हैं या शैडो कह सकते हैं वो उतना ही नीचे बनता है, तो हमने देखा कि जो क्लाउड था हमारे जो सरफेस ऑफ वाटर है वहाँ से कितनी डिस्टेंस पर था बेटे x प्लस h पर, कितना x प्लस h पर, तो बेटे उसके पानी के अंदर उसका रिफ्लेक्शन भी कितनी ही डिस्टेंस पर बनेगा x प्लस h पर, क्लियर है उतनी ही डिस्टेंस रहती है, ठीक है नहीं है, उसके बाद में तो आप सीधा सीधा जानते हैं टू एंगल्स टू ट्राइंगल्स टू इक्वेशंस, क्लियर, ओनली क्या करते गए बेटे सॉल्व करते गए आगे, ठीक है नहीं बेटे, उसके बाद में किसी को बेटे प्रॉब्लम आ रही हो तो बेटे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान आप तक पहुंचा सके, ठीक है, और इसी के साथ बेटे आपका 8th चैप्टर कौन सा हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बेटे, अगर किसी को पूरे चैप्टर में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, क्लियर है नहीं है, और बेटे अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 9 में, तब तक के लिए धन्यवाद।